बाल बाल बचे और मैं बहुत खुश हूँ। जानती है कितने दिनों से ऑफिस नहीं किया हूँ, डैड और मैंने आगे की प्लानिंग नहीं की है, हम लोग इतने पेंडिंग डील्स हैं और आप कह रहे हैं हम बाहर चले जाएं। हाँ प्रतीक्षा ट्राई करेगी, बहुत कोशिश करेगी कि हम मनाली ना पहुँचे। कुछ ना कुछ करके सिचुएशन को हैंडल कर लेगी और रवि के साथ एंजॉय कर ही लेगी। हाँ बाल बाल बचे और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मनदीप आंटी ऑब्वियसली मुझे फेवर करती है तो वो मेरी साइड पे है और उन्होंने सब कुछ बचा लिया। प्रतीक्षा तो खुश हो रही थी बैठे बैठे, बट अब उसका पोपट हो चुका है, वी आर गोइंग एनीवे। हाँ प्रतीक्षा ट्राई करेगी, बहुत कोशिश करेगी कि हम मनाली ना पहुँचे, बट काव्या उससे भी एक कदम आगे है तो वो कुछ ना कुछ करके सिचुएशन को हैंडल कर लेगी और रवि के साथ एंजॉय कर ही लेगी। हाँ रवि थोड़ा खोया हुआ है ऐसा मुझे लग रहा है कि प्रतीक्षा के बारे में सोच रहा है, कहीं उसका माइंड चेंज तो नहीं हो गया, बट एट द सेम टाइम अभी काव्या को लग रहा है कि ये बहुत ही अच्छा मौका है, अब जब हम हनीमून पे जा रहे हैं तो थिंग्स विल चेंज, मैं उसके क्लोज जाऊंगी तो आई थिंक यू नो ही विल आल्सो स्टार्ट लाइकिंग मी, तो होपिंग फॉर द बेस्ट, आई थिंक थिंग्स माइट वर्क आउट। आप जानती हैं कितने दिनों से ऑफिस नहीं किया हूं, डैड और मैंने आगे की प्लानिंग नहीं की है, हम लोग इतने पेंडिंग डील्स हैं और आप कह रहे हैं हम बाहर चले जाएं। क्या मॉम ने मुझे थोड़ी आइडियाज़ दिए कि कैसे मुझे रवि को अपने क्लोज करना है, कुछ ट्रिक्स दिए हैं, कोई टिप्स दिए हैं, तो वो सब यूज़ करने वाली हूँ, लेट्स सी। अभी आपने देख लिया होगा पहले वाला तो ये किया हमने कि हमने हलवे को ख़राब कर दिया, फिर इसके बाद अब जो होने वाला है वो हनीमून का ट्विस्ट एंड टर्न है वो बहुत मज़ेदार होने वाला है। जो सीन्स हमने शूट किए और शूट करने में भी मुझे काफ़ी मज़ा आया, इट वॉज़ वेरी इंटरेस्टिंग। आगे का मुझे भी नहीं पता क्या होने वाला है, बट अब तक जो हुआ है काफ़ी अच्छा है, यू ऑल विल लाइक।